नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शमशाबाद ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष धनराज धाकड़ के नेतृत्व में तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कमलनाथ सरकार के घोषणा पत्र का हवाला देते हुए कहा गया कि मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार हर पंचायत में गौशाला बनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन शमशाबाद ब्लॉक में अभी तक जनप्रतिनिधियों को की उदासीनता के कारण काम शुरू नहीं किया, जिसमें गौ माता सड़कों पर दिखाई दे रही है और आवारा पशु फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि शमशाबाद ब्लॉक में 5 पंचायतों को स्वीकृति मिल चुकी है। ज्ञापन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता नागरिक मौजूद रहे। मैं किसानों की तरफ से इस विषय को लेकर ज्ञापन दिया है कि शासन द्वारा गौशाला के लिए कई ग्राम पंचायतों में जगह मतलब शासन ने स्वीकृत कर दी, पर अभी तक तहसील के अधिकारियों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण वहां पर काम शुरू नहीं हो सका। अगर सरपंच साहब से बोलो तो वो कहते हैं सीमांकन नहीं हुआ जगह का। इस संदर्भ में लेकर किसानों की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया है। मवेशियों को देखकर रोज़ जो रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसानों का नुकसान हो रहा है, और जो गाय है वो रोडों पर घूम रही है, उसको कहीं एक जगह नहीं है, उसको लेकर हम आज ज्ञापन देने आए हैं। क्योंकि शासन ने जो स्वीकृति दी है गौशालाओं की, उन पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, ना उसकी अभी जगह चिन्हित की गई है। एक दो जगह की हैं, लेकिन हमने अभी 3 दिन का समय दिया है। अगर ये 3 दिन में नहीं करते जगह चिन्हित, हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। कि गौशाला खुल नहीं पाई अभी तक, जगह निश्चित हुई है मगर कानून द्वारा ढील है। उसमें निवेदन करता हूँ कि CM साहब को न जाने, सरपंच सचिव की गलती है, उसमें तहसीलदार साहब की गलती है, सभी अधिकारियों की गलती है। खूब शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं हुई। ब्यूरो चीफ विजय विद्रोही की रिपोर्ट।